आज हमारे साथ मौजूद है लोकतांत्रिक जनता दल से गया के जिला अध्यक्ष रवि वर्णवाल उर्फ गुड्डू जी। आइए जानते हैं पार्टी के बारे में गुड्डू जी से। लोकतांत्रिक जनता दल 18 मई दिल्ली में स्टेडियम तालकटोरा स्टेडियम में हुआ था। उसका हुआ था मुख्य अतिथि हमारे बहुत सारे ज़्यादा भी आए थे और पार्टी के संबंधी नेता थे। और वहाँ से जब कुछ सीखने के लिए सर ज़्यादा जी से भी मिला कि पार्टी को किस तरह से विस्तार करना है, आगे का फ्यूचर कैसे तय करना है। उन्होंने यह भी सिखाया कि आने वाला समय जो है राजनीतिक क्षेत्र में युवाओं को किस तरह से अपना भागीदारी अब जो है संभव किया गया है कि अब युवाओं जो है आगे बढ़कर राजनीतिक क्षेत्र में। और वहाँ से जो होमवर्क मिला पार्टी के कार्यालय से तालकटोरा स्टेडियम के बाद, तो जिले में आज प्रखंड में कई प्रखंडों में मैंने अपने स्तर से अध्यक्ष बनाया, पार्टी का विस्तार कर रहा हूँ। और सबके गया जिला शहर के लोग और जिले के लोगों को प्रयास है हमारा कि सारे लोग कम से कम आज इस चीज़ को समझें कि आज के परिवेश में संघ शक्ति कल जुगे। अगर आपको जीवन में कहीं पर भी कुछ कामयाबी हासिल करना है तो बिना संघ बनाए आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जिस स्तर से हमारे समाज का जैसा स्तर नीचे की तरफ गिर रहा है, आज युवाओं को ही आगे बढ़ना हो, क्योंकि आज जो है बहुत ज़बरदस्ती हमारे बिहार में एक स्तंभ पर, हमारे जीवन के एक स्तंभ पर वार हुआ पिछले 25-30 सालों में। यहाँ पे शिक्षा पे ज़बरदस्त वार किया जिसकी भी जिनकी भी सरकार रही। ये मैं नहीं कर रहा कि कौन मुख्यमंत्री रहे, बस उन लोगों का प्रयास रहा कि शिक्षा पर उन्होंने बहुत वार किया। और लोकतांत्रिक जनता दल का जिला अध्यक्ष बनने के बाद मुझे इंटीरियर में गाँव देहात में भी घूमने का मौका मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि लोगों को ये अधिकार ही नहीं पता कि हमें संविधान में अधिकार क्या दे रखे। बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि लोकतंत्र है क्या, आप पहले अपने इस अधिकार को समझें। और इसी स्तर से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे पार्टी के नाते विस्तार हो, कि लोगों को अवेयरनेस कर सारे लोग समझें इन बातों को कि लोकतंत्र आखिर है क्या, ये अधिकार क्या मिला है, कि कोई कल हमारे संविधान के साथ ना खेल, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे शहर के विधायक हो, का मजाक बना करके रखते हैं। आज ये संविधान का सिस्टम है तभी हमारे बच्चे सुबह स्कूल जा सकते हैं, मैं 2 लाख रुपया लेकर के बैंक जा सकता हूँ, मैं अपने जीवन में कुछ कर सकता हूँ, व्यापार कर सकता हूँ, दुकानदारी कर सकता हूँ। अब सोचिए कि एक व्यापारी 10 बजे दिन में दुकान खोलता है, रात को 10 बजे बंद करता है, अंधेरा में वो अपने दुकान को लाखों रुपये का प्रॉपर्टी छोड़ के आता है। ये संविधान के विश्वास पर ही छोड़ करके आता है कि भारत का संविधान मेरे दुकान को देख रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है। और इलिटरेसी होने की वजह करके बिहार में खास करके इंसान अपने अधिकार को समझ नहीं रहा, वो जान नहीं रहा है कि मेरा अधिकार क्या है। उसे ये नहीं पता है कि बाहर सामने जो रोड बन रही है उसको देखना मेरा काम। आज नगर निगम पानी नहीं दे रहा है हमको, वो हमारा नौकर है। हम इनकम टैक्स सेल टैक्स जमा करते हैं तब हमारा थाना प्रभारी को सैलरी मिलता है। आज थाना की जो परिवेश हो गई है, कोई एक आम आदमी जब जाता है जिसको लोकतंत्र में एक वोट देने के सिर्फ अधिकार है संविधान में, मैं विधायक वार्ड काउंसलर मंत्री मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा, विपक्ष के नेता की नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक आम आदमी कि आज थाना पर अगर जाते हैं तो वो घबरा रहा है जबकि हमारा नौकर बैठा हुआ है उस थाने के अंदर। अब जिस देश में साहब जब मालिक डर रहा हो तो अब क्या परिवेश होगा, अब इससे ज़्यादा लोकतंत्र का क्या खतरा। हाल में अभी आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे, क्या कारण था हड़ताल पर बैठने का? अनिश्चितकालीन का सर वजह हुआ कि ये जो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है जो हमारे समाज को रात दिन इस तरह का परेशान कर, मतलब ब्यूरोक्रेसी इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं परेशान करना व्यापारी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कानून समझाना, वो लोग हमारे दवा दुकानदारों को, यहाँ जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है राकेश रंजन सिंह, वो एक मकान मालिक का इकरारनामा मांग दिया जो कि 1947 से 70 बरस हो आज तक हिंदुस्तान में किसी लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने नहीं मांगा। और नवीकरण सर कराते समय अब सोचिए कि 50 साल पुरानी जो दुकानें हैं वो हमारे दादाजी ने उसके दादाजी से एग्रीमेंट कराया, और उस वक्त वो चौराहे पर 4-5 दुकानें होंगी और आज गया शहर का वो चौक है, तो उसकी कीमत क्या हो गई?
अब जो है एक तो ये समस्या हो गया, दूसरी समस्या थी कि बहुत ऐसे दुकानदार होंगे जो मकान मालिक से उनका टेंशन झगड़ा चल रहा होगा, किराया को लेकर के केस चल रहा होगा, तो एक ये छोटी सी मांग के चलते उनका व्यापार समाप्त हो जाता। तीसरा एक समस्या सबसे बड़ा समझ में आ रहा था कि आज बेरोजगारी बिहार में बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि मकान मालिक का बेटा ही बेरोजगार हो जो उस दुकान को इकरारनामा के नाम पर उसको दे ही नहीं और अपने बेटे को बैठा दे, 500 साल का कमाया हुआ उसका खानदानी जो व्यवस्था है वो अपने बेटे को दे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मांग रखा और वो नहीं माने, तब जाकर के 12 दिसंबर 2016 से जो कि एक आम आदमी को संवैधानिक सबसे बड़ा अधिकार दे रखा आमरण अनशन का, वो निर्णय हम लोगों ने ले लिया और टिकारी रोड में ये प्रण करके बैठ गए जो कल मरना है वो आज मर। शरद गुट में जनता दल अलग यू से अलग होने के बाद नई पार्टी की ओर बढ़ रही है, क्या योजनाएं हैं उनको आगे चुनाव को लेके? चुनाव तो सर तो ये एक प्रक्रिया है, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग जितना ज़्यादा अवेयरनेस करें, प्रयास है कि भागीदारी राजनीति में हो, क्योंकि आज के डेट में समाज का कोई भी ताला, जीवन की कोई भी ज़रूरतें बिना राजनीति के चाबी से नहीं खुल रही है। अगर स्कूल में एडमिशन कराना हो बच्चों को, अगर आपके मंत्री आपके परिचित के हैं, अगर प्रिंसिपल को फ़ोन कर दें तो डोनेशन फी कम जाता है। आज अगर मंदिर में पूजा करने के लिए जाएं और राजनीति क्षेत्र से अगर आप जुड़े हैं साहब तो आपको भगवान जी जल्दी मिल जाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं हमारे समाज को प्रभावित कर रही है, ये राजनीति खास करके हमारा पर्सनल इस पर रहता है कि कम से कम आम लोग जो राजनीति के थ्रू अपने विधायक से इतने दूर हैं, अपने विधायक से इतने दूर रहते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि ये विधायक हमारे संविधान में हमारे ज़िंदगी के किन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बने हैं, ये भी नहीं पता। इसलिए पार्टी हमारी इस चीज़ों को अवेयरनेस करने का प्रयास करेगी और शहर में सर खास करके राजनीतिक क्षेत्र में आने का वजह है कि हमारा गया जिला सर एक हिस्टोरिकल प्लेस है और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग एक ज़माने से किताब में पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कर्मी दुनिया के यहीं है, तो उसकी व्यवस्था सर आज तक सिस्टम में किसी ने सोचा ही नहीं कि पेड़ पौधा हम लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगवाने का प्रयास करें। तो हम लोगों का लोकतांत्रिक जनता दल के तरफ से या व्यापारियों के द्वारा हम लोग प्रयास करेंगे कि आने वाला सीजन में पौधा और पेड़ हमारे गया शहर में। देश में दो पार्टी मुख्य तौर से दिखती है, एक कांग्रेस एक बीजेपी, दोनों अपनी अपनी यूनिटी दिखा रहे हैं, शरद गुट किस ओर बैठेगा? सर सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर बात करें हम लोग दो पार्टियों की, तो यहाँ पर परिस्थिति है कि भारत सरकार जो भी चल रही है तो झूठ की सरकार, ये कम्प्लीटली झूठ की सरकार। आज दिखाते हैं कि मोदी जी साले लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 70 साल में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा महागठबंधन उन्हीं का था। लाते हैं 2 सीट सरकार बनाते हैं, आज 44 पार्टियों के साथ सर आपका NDA चल रहा है पूरे हिंदुस्तान, उनसे बड़ा तो महागठबंधन देश में ना बना है ना बनेगा। अब परिस्थिति है कि वो ऐसे हालात में जहाँ बिजनेस टाइकून के बीच में बैठे हैं सर, हम लोग सब परेशान हैं। उनको ये भी साहब को पता नहीं है कि एक ट्रक अगर चलता है दिल्ली से ट्रांसपोर्टिंग करके और डीजल का दाम बढ़ाएंगे तो जो अगर गुड्डे बिस्किट उसमें भर करके आ रहा है तो खाने वाला जो खाएगा उसकी कीमत बढ़ेगी, अगर वो सब्जी बेचने वाला है तो सब्जी वाला का भी दाम बढ़ जाएगा। तो ये जो सरकार का जो सिस्टम चल रहा है इसके अगेंस्ट ना तो सपोर्ट में और ना ही थिंक, अगर गठबंधन बन करके ही सरकार को अगर हम लोग रोक सकते हैं, पर्पस है सर कि हमारी महंगाई को कम करें, बीजेपी पार्टी हो चाहे आज रिसेंट में भारत सरकार, तो गठबंधन है तो गठबंधन में ही जाएंगे इनको रोकने के लिए। जिला अध्यक्ष के तौर पे आप गया में उपस्थित हैं, क्या आदेश आया है ऊपर से जिला गया जिला में अपने पार्टी को लेके? जी सर अभी तो बिहार में हम लोग महागठबंधन के साथ ही चल रहे फिलहाल, और अभी भविष्य में भी जो है हम लोग महागठबंधन के साथ ही रहेंगे। जनादेश है, क्योंकि बिहार में सर कई सालों से देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ भी विश्व के सबसे अनोखा मुख्यमंत्री, उनको जनादेश के खिलाफ सरकार बनाने की आदत है, जब NDA ने इनको जनादेश बिहार का दिया तब ये खिलाफ में सरकार बना ली मांझी जी के साथ।
अब जब लालू जी के साथ इनको सरकार इनको जनादेश दिया तो अब चले गए फिर बीजेपी के पास। तो यहाँ पर तो सर सवाल ही नहीं उठता कि महागठबंधन रहे नहीं रहे, एंटी नीतीश कुमार है, क्योंकि इन्होंने बिहार की जनता को ठगा है, ठगने का काम इसमें कहीं 11 करोड़ जनता। द्वेष की भावना तो नजर नहीं आ रही है? द्वेष नहीं है सर, मैं भी एक आम नागरिक था जिला, क्योंकि शरद जी वहीं से टूट के बाहर निकले हैं और अपनी लोकतांत्रिक जनता दल को बनाया है उन्होंने। सर जहाँ तक शरद जी की बात अगर करें हम लोग, तो मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार से काफ़ी अनुभवी व्यक्ति है और 1974 से वो सांसद आज तक लगातार रहे थे, राजनीतिक क्षेत्र में उनका अनुभव सेंट्रल लेवल पर है, नीतीश जी का अपना एक अपना प्रभाव अपने राज्य में रहा, तो अगर ज़िंदगी में देखें तो अनुभव ज़्यादा काम आता है। शरद जी क्यों छोड़े और किन परिस्थितियों में छोड़े इस विषय पर बात करें, नीतीश कुमार जी जब आज भी कई लोगों ने सुना कि बीजेपी का फुल फॉर्म उन्होंने ही बताया पूरे बिहार में, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, शरद जी ने नहीं बताया था। शरद जी तो पीछे से समर्थन कर रहे थे, जब उन्होंने कहा कि नहीं एनडीए छोड़ो तो समर्थन था, मांझी मुख्यमंत्री तो समर्थन था, उन्होंने कहा लालू तब समर्थन था। अब तो भैया या तो नौकर बना लिया शरद जी, शरद जी ने इस पिंजड़े को तोड़ करके हम जैसे युवाओं को राजनीति में लाकर बहुत ही अच्छा काम किया, तो बिहार के परिवेश को पूरा बदलने का प्रयास करें। आप एक समाज सेवा का भी काम करते हैं गया में, क्या क्या अभी उम्मीद करें आपसे कि समाज सेवा के तौर पे आप जनता को दे पाएंगे गया के जनता को? सर गया नहीं, अभी पूरे देश की एक समाज सेवा ही है सर, बिहार नहीं हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा कोण है हमारे एक व्यापार का, वो है फार्मासी सेवा। 1940 का ये अंग्रेज का कानून, जब अंग्रेज चले गए यहाँ से तब अंग्रेज का कानून को किस लिए रखा है, झूठ में इन लोग जिन्ना और तिन्ना का लड़ाई और गन्ना का कर रहे थे। ये फार्मासिस्ट उस वक्त मिक्सचर की दवाइयाँ बनती थी और तब जाकर के फार्मासिस्ट का जरूरत पड़ता था, आज आप लोग भी दवाइयाँ खरीदते हैं उस पर ऑलरेडी लिखा होता है सर लीवोफ्लोक्सासिन ओफ्लोक्सासिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, देन कंज्यूमर ऑल्सो नोज अबाउट कि ये दवाइयों को अब फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं है और ये काला कानून हम लोग फार्मासिस्ट के मुद्दा की बात कर रहे थे सर, और धन्यवाद दूंगा आपका भी सर कि ये बात आज मैं 5 दिन पहले ही सोच ही रहा था और आपके चैनल से आज अगर ये बात आज से शुरुआत हो गई है तो समझिए कि आगाज़ है सर आपके चैनल से, और मैं इसको कल से ही शुरू करूँ, मैं सोच ही रहा था कि कब मैं श्री गणेश करूँ और आपके वजह करके आज विष्णु भगवान का मैं दर्शन भी कर लिया और ये लड़ाई शुरू हो गई और ये मांग बहुत दूर तक जाएगी, आने वाले समय में सरकार को जवाब देना, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ा तो पुनः मैं आमरण अनशन पर बैठूँगा, लेकिन इस लड़ाई की भी जीत में लाऊंगा और बताने का काम करूँगा कि सरकार को जितना पेट्रोल का दाम घटाने की ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है फार्मासिस्ट कानून को खत्म, क्योंकि ये कितना बैरल दुबई से खरीदा के आता है कुवैत से ये नहीं आता साहब, ये आपके ही संविधान की किताब से आया, इसको तो आप 24 घंटा के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। प्रेम कुमार गया के एक मुख्य दावेदार हैं और हमेशा जीतते आए हैं, क्या उनके विरुद्ध आप गया से चुनाव लड़ने के लिए खड़े होना का मादा रखते हैं? प्रेम जी का सर नाम आते ही तो प्रेम है भाई, आज तक जनता उनको प्रेम में ही वोट कर रही है, काम पर तो वोट कर नहीं रही है, उनके नाम पर वोट कर रही है, जो नाम उनको मिला है 2.5 अक्षर का उसी पर आज तक हम लोग और हमारे वंशज इतने हैं ना, आज कितने लोग ऊपर चले गए मोक्ष प्राप्त कर लिए इनको वोट करते करते, लेकिन शहर को अभी तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, प्रयास है कि इस शहर को, और मैं बुराई नहीं कर रहा, कोई ज़रूरी नहीं कि हर विद्यार्थी को हर सवाल का जवाब देता, इस शहर की समस्या से वो काफ़ी संतुष्ट है, व्यवस्थाओं के बारे में उनको शहर का पता ही नहीं है कि उनके शहरवासी जो पिछले 7 टर्म से 30 बरस से सर उनको जो कुर्सी पर बैठाए हैं उनकी ज़िंदगी 24 घंटे कैसे बीत रही है उनको पता नहीं है। तो आज शहर में ट्रैफिक का क्या पोजीशन है साहब, आप इस वक्त जा करके देखिए, स्कूल के बच्चे जब स्कूल से छूटते हैं तो अपने घर पहुंचने के लिए 1.5 किलोमीटर में 45 मिनट और 1-1 घंटा समय, विधायक जी को हराना नहीं है, विधायक जी को बताना है कि आपने 7 टर्म से ये काम नहीं किया,
मान के चलें कि आगामी चुनाव में इस शहर को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए आप चुनाव मैदान में उतरेंगे और लोग जनता के बीच में जाएंगे? हाँ, प्रयास रहेगी। जनता के बीच में तो न रहूँगी, प्रयास कर रहा हूँ कि और बीच में जाऊँ। अगर पार्टी ऊपर के कमान, पार्टी कमान जो है हेड कमान के लिए अगर उन्होंने अगर भार दिया तो मुझे पूरा विश्वास है सर कि पिंडदान को 30 वर्ष का जो जंग लगा हुआ है उसका पिंडदान, और इस शहर को ऐसा विधायक मिलेगा जो इस शहरवासी का हो, उनकी जिंदगी के जरूरतों के लिए होगा। पिंडदान किनके नाम से होगा, क्या खुलासा करना चाहेंगे? ये लोकतंत्र का जो हत्या हो रहा है 30 साल से सर, उसका पिंडदान कर, समझ गए? हम लोग जो हैं सर, हमारे पूर्वज जो है वोट करते करते वोट का पिंडदान कर, लोकतंत्र का पिंडदान कर, समझे? यहाँ की बहुत सारी जरूरतें हैं, हम आज भी चाहते हैं कि वही इसको करते खत्म। आज शहर में ट्रैफिक की जो समस्या है साहब, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं ट्रेन में, हम आपसे आग्रह करते हैं, 1-1 घंटे में अपने घर पहुंचते हैं सर, समझे? हमारे घर के जो स्थिति है, कहीं पर कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं आपने किया सर। आज इस गया शहर में कितना पेड़ पौधा उन्होंने 30 वर्ष में अपने हाथों से लगाया हो, जो आज इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज है। आज जितने व्यापारी संगठन हैं साहब, खुद अपनी लड़ाई अपने लड़ते हैं, आज उनको पता ही नहीं है। वार्ड काउंसलर वगैरह का तो महत्व समझ में आता है सर कि नाली गंदा है तो वार्ड काउंसलर को फ़ोन करो, गली गंदा है तो वार्ड काउंसलर को फ़ोन करो। हम लोग को पता ही नहीं है कि हम विधायक जी को फ़ोन किस लिए करें और मिलेंगे।